बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त महबूब अबड़ो। आज मैं बता रहा हूं आपको एक मासूम बच्चे का वाक्या जो दरिया खान नाहूं पुलिस स्टेशन टंडोजाम के इलाके में हुआ है। मासूम बच्चा रिजवान नाहूं जो 7 बरस का है, उस मासूम बच्चे को पकड़कर केले के बाग में वहाँ जाकर एक जालिम सिफत इंसान नौमान ने ज्यादती की है उसके साथ। उसको 2 दिन गुजर गए हैं। जब वो थाने पर गए हैं तो थाना FIR काटने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसी ना जवाबदार अभी तक गिरफ्तार हुआ है। टंडोजाम के SHO को मैं कहता हूं, मेहरबानी करके आप ये मैनपुड़ी की रिकवरी करना बंद करें, मंशात की रिकवरी करना बंद करें। आप कानून और इंसाफ के बखे न उड़ाएं। आप एक मासूम बच्चे के से ज्यादती करने वाले जालिम को, दरिंदे को गिरफ्तार तक नहीं करते तो आपकी जिम्मेदारी और कौन सी बनती है? मैं कहता हूं फौरन इंसाफ यह है कि जवाबदार को कटड़े में किया जाए। जब तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन चलती रहे, यह तो सारी पूरी दुनिया के कानून में होता है, पहले इन्वेस्टिगेशन होती है और उसके बाद जाके जवाबदार गिरफ्तार होते हैं। लेकिन हमारे पास तो उल्टा कानून है, लेकिन कानून गरीब के लिए इस्तेमाल नहीं होता। कानून गरीब के लिए पावर में नहीं आता, इख्तियार नहीं दिखाता। तो यही वजह है कि रिजवान नाहो एक मासूम बच्चा, वो गरीब का बच्चा है। तो 2 दिन गुजरने के बावजूद ना उसकी FIR कटी है, ना जवाबदार गिरफ्तार हुआ है। मैं IG सिंध से, DIG हैदराबाद से और SSP हैदराबाद, जो खुद हैदराबाद का बंदा भी है, रिहायश पजीर भी है, अच्छा अफसर भी है, मैं तो कहता हूं हमें अमजद साहब से और ज्यादा उम्मीदें थी कि उनसे आने से हैदराबाद पुरमन बन जाएगा, पीसफुल बन जाएगा और लोगों को जल्द इंसाफ मिलेगा। लेकिन तकरीबन 1 साल से ज्यादा अमजद साहब को हो गया है, उसके बावजूद भी हमें बहुत सारी शिकायतें हैं। अभी तक मंशात इतनी कंट्रोल में नहीं हुई, कार्रवाइयां तो की हैं, अमजद साहब ने भी की है, राणा दिलावर साहब आए बल्दिया के DSP, उन्होंने भी कार्रवाई, अच्छी कार्रवाइयां की है, लेकिन हमें नतीजा चाहिए। हमारे मासूम बच्चे मंशात से दूर हो, हमारी कौम इन मंशात से दूर हो। और दूसरा कि जिस बंदे से नाइंसाफी हो रही है, जिस बंदे से ज्यादती हो रही है, वो जब थाने पे पहुंचे तो थाने वाला उसकी मदद करे, न कि उनसे उल्टे 50 सवाल करे और उसको खुद जवाबदार बना दे। तो ये पुलिस का काम होगा तो सिंध में कभी भी सिंध के लोग वो अमन नहीं हासिल कर पाएंगे जो उनके ख्वाब हैं। हमारे ख्वाब हैं कि सिंध ऐसा बने कि हर बंदे की कंप्लेन विदाउट उसके सोर्स के, विदाउट उसके किसी सिफारिश के सुनी जाए और उस पर अमल किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। दूसरा, मंशात ने पूरी सिंध को तबाह कर दिया है। हर घर में, मैं तो कहता हूं SHO और पुलिस वाले देखो, वो भी मंशात वापराते हैं, मैनपुड़ी खाते हैं, गुटखा खाते हैं और सारे नशे करते हैं। तो जब एक खुद, मैं तो पहले सख्ती करनी चाहिए कि पुलिस का बंदा कोई भी मंशात नहीं इस्तेमाल करे, लेकिन आप देखते होंगे थाने में भी खाते हुए, SP ऑफिस में भी खाते हैं, क्लर्क भी और ऑफिस के स्टाफ भी, अफसर भी बहुत सारे खाते होंगे, खाते हैं। तो जब ये होगा, उस पर अमल नहीं होगा तो नतीजा नहीं मिलेगा। तो मैं अभी सबसे दर्दमंद अपील करता हूं कि मासूम बच्चे की देहात में ऐसे नहीं, अब शहर में होता तो अब बड़े बड़े चैनल, Jio पर भी चलता
और एआरवा पे भी चलता, दूसरों पे भी चलता, समा पे चलता, लेकिन ये जो एक देहात में गांव में और मासूम बच्चा है और गरीब का बच्चा है, इसलिए उसकी कोई नहीं सुन रहा। मैं हाथ जोड़ के डीआईजी हैदराबाद से अर्ज कर रहा हूँ, एसएसपी अमजद शेख साहब से अर्ज कर रहा हूँ कि फौरी तौर पर टंडोजाम एसएचओ को अहकाम जारी करें कि उस गिरफ्तार किया जाए जालिम को, वैशी दरिंदे को। अगर नहीं हुआ तो इतवार, आज इतवार है, कल मंडे ट्यूसडे को 12 बजे प्रेस क्लब हैदराबाद पे मैं हैदराबाद के टंडोजाम के उन गैरतमंद अवाम से अपील करता हूँ कि वो ट्यूसडे के दिन 12 बजे हैदराबाद प्रेस क्लब आए, मिलकर जुल्म ज्यादती के खिलाफ एहतजाज करेंगे। मेहरबानी।